नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सांची कालीमाटी रोड स्थित कांति गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 10 युवक युवती हिरासत में। सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी में आपसी विवाद में मारपीट, एक महिला को तलवार से मार कर किया गया घायल। एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर स्पात एक्सप्रेस की ट्रेन की चपेट में आने वाले यात्री को आरपीएफ की महिला जवान ने चलती ट्रेन के नीचे से निकाला। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत काशीडी स्थित कांति गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। जिला प्रशासन के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी करते हुए 10 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। जमशेदपुर के साक्षी कालीमाटी रोड स्थित कांति गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर लड़की और लड़कियों को पकड़ा है। वहां सेक्स रैकेट चल रहा था, जबकि वहां प्रेमी युगलों को अनैतिक कार्य करने के लिए कमरा भी उपलब्ध कराते थे। इसको लेकर लगातार शिकायत भी मिल रही थी। जमशेदपुर की डीसी विजय यादव ने इस मामले की जाँच के लिए तत्काल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुनील कुमार को छापेमारी के लिए भेजा। साक्षी पुलिस के साथ मिलकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच की, जिसमें सही पाया गया। वहां से बड़े पैमाने पर प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया गया। सभी को पूछताछ के लिए साक्षी थाना ले जाया गया। इसमें 6 लड़की और 4 लड़के शामिल हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। गेस्ट हाउस का संचालन कोई बबलू सिंह नामक व्यक्ति कर रहा है। गेस्ट हाउस से बड़े पैमाने पर शराब की बोतलें भी बरामद की गई है, जो यह बताती है कि वहाँ रंगरेलियाँ मनाई जाती थी। बताया जाता है कि आसपास के लोग वहां की परेशानियों से काफी परेशान थे, जिसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिली थी कि कुछ इलीगल यहां पे चल रहा है, कुछ इलीगल होटल का काम चल रहा था, तो फिर हम अभी इंस्पेक्शन जारी है। जांच का विषय है कि अभी कौन चला रहे थे। बबलू नाम का कोई आदमी है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। नीचे की जा। तो, कितने लोग, कितने बच्चे लोग हैं? अभी 10 बच्चे थे यहाँ पे, 10 लोग थे। अब बच्चे हैं क्या है उसकी अभी जांच होगी। तो 6 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं, तो अभी सामने आए। अभी पहले क्या जानकारी मिली, सूचना क्या मिली? हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कुछ इलीगल होटल का काम चल रहा है यहाँ पे, तो अभी उसके हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन पे आए, तो जो लोग यहाँ पे दिखे हैं उनको अभी थाने भेजा गया और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है क्या? आपत्तिजनक तो बियर की बोतलें थी और एज सच कुछ सामान तो था नहीं, पानी की बोतलें थी बाकी, तो 2 बियर की बोतल थी जो एविडेंस के रूप में दिया गया है। क्या जिला प्रशासन के एक ही होटल का सूचना था कि और भी जमशेदपुर में है ऐसा? अभी एक ही इन्फॉर्मेशन था तुम लोग, बाकी कुछ होगा तो। इधर सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी में आपसी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला को तलवार से मारपीट कर घायल कर दिया गया। सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी में आपसी विवाद में स्थानीय युवकों ने तलवार से मारकर सुनीता देवी नामक को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने महिला को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। क्या हुआ पत्नी के साथ? मारपीट हुआ। कैसे, मतलब कौन मारा, क्या मारा? गाड़ी क्लोज कर रहा था, इसी में ही निकल के बोलने लगी काय गाड़ी देता है, उसी में घर में घुस के मार दिया। क्या चीज़ से हमला किया? तलवार से। तलवार से, तलवार से हमला किया। हाँ। कितना लोग था? 2 लोग। क्या नाम है दोनों का? एक का प्रमोद यादव, एक का संजय पाड़िया। कहाँ का है ये लोग? बस्ती का है। हाँ, बस्ती का। तो मगर किसको गाली गलौज कर रहा था लोग? मेरा पत्नी को, ये बर्तन धो रही थी बाथरूम में। अच्छा। रोड के किनारे बाथरूम है। तो लोग क्या बोल रहा था? नहीं धो। गाली गलौज हमेशा करता था, टोक बैठी की गाली तुम काहे देता है, क्यों देता है मेरा दरवाजा पर गाली, उसी में बस चला दिया। गाली गलौज हमेशा करता है क्या? आपको पत्नी को करता है या मेरे को? नहीं, सीख। क्यों, वजह? कोई पता ही नहीं इसका, वजह ही कुछ नहीं, कोई मैटर ही नहीं। मारपीट कर दिया आज? हाँ। पहले भी समझाएं आप? हाँ, पहले भी समझाएं बुझाएं, बहुत कुछ किए। बस्ती में रहता है? हाँ। तो ऐसे गाली गलौज करता रहता? हाँ, है। हाँ। तो कौन है? दोनों दोनों दोस्त है। क्या आपस में गाली गलौज कर रहा था या वाइफ को दे रहा था, वाइफ समझा रही? मेरा दरवाजा पर लाके गाली दे रहा था दोनों। हाँ, तो फिर वो लोग घर घुस गया, फिर बोला काहे घर घुस गया, उसी में तलवार लेकर आया, मारना चालू कर दिया। थाना में शिकायत किया? हाँ, थाना दोनों पकड़ा के चल गया। शिकायत थाना में ना? हाँ। उधर एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर पर केस करने की मांग रखी। पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया।
एमजीएम अस्पताल में भर्ती एक मरीज की अचानक मौत हो जाने पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। उधर हंगामे की सूचना पाकर पुलिस पहुंची, उन्होंने परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। बता दें कि इलाज में लापरवाही एवं मनमानी के कारण मरीजों की मौत के मामले एमजीएम अस्पताल में अक्सर आते रहते हैं। इसको लेकर अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी इलाज में लापरवाही तो कभी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठता रहता है। ताजा मामला इलाज में लापरवाही का है। बताया जा रहा है कि सीतारामडेरा थाना अंतर्गत न्यू सीतारामडेरा निवासी महावीर पांडे नामक व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके इलाज के लिए एक दिन पहले उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके परिजनों ने बार बार अस्पताल के इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स से मरीज को ऑक्सीजन लगाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन ना तो डॉक्टर ने सुना और ना ही नर्सों ने। अंत में महावीर की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उधर हंगामे की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को मामले की जांच का आश्वासन देते हुए शांत कराया। कब भर्ती कराए थे? कल कराए। कब? कल सुबह में कराए 9 बजे। क्या प्रॉब्लम था? वो पैर फूल रहा था, हाँ, हल्का हल्का, फिर पेट फूलने लगा। फिर उसके बाद हम कुछ 10 दिन देखे पेट भी फूला तो यहाँ लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी जो दवा दिया था वो तो कुछ दवा दिया ही नहीं। वही तो पूछ रही है ये सब क्यों नहीं पड़ा, जब आपको लिखा गया है सुबह 10 बजे में लिखा गया है उसको ये सब देना है, तो एक तो दवा नहीं पड़ा मेरे हस्बैंड को। ये लोग लापरवाह से हो गया है, डॉक्टर जाने भी नहीं आया कोई। डॉक्टर के द्वारा लिख के दिया गया? हाँ, सुबह 9-10 बजे में लिख के गया था और 12-1 बजे ला के दिए। 12 बजे क्या पहले से हम ला के लोग बताए हैं, एक बार झकने भी नहीं गया, कल एक बार पानी चढ़ाने गया था और उसके बाद कोई भी नहीं गया। बुलाने भी आए कि ऑक्सीजन कमी हो रहा ऑक्सीजन, लेकिन कोई नहीं गया। मेरा हुआ नर्स लोग कोई नहीं गई, कोई नहीं गई। जब वहाँ पर एक नर्स को बोले तो बोलते जाइए ये को बुलाइए, क्या बोलते ऑक्सीजन वाला को बुलाइए, हम बुलाने जाएंगे पेशेंट को छोड़ के। किसका लापरवाही हुआ यहाँ पर? नर्स लोग का, हॉस्पिटल का लापरवाही, हॉस्पिटल का लापरवाही। कहाँ रहते हैं? पुराना में रहते हैं। वही तो हमको भी एक खबर मिली है, इसीलिए उन लोगों को हम बोले हैं कि लिखित कंप्लेन दें, क्योंकि मौखिक कंप्लेन से आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। लिखित कंप्लेन रहेगा, उसके आधार पर डॉक्टर की टीम बना करके उसमें जांच कराएंगे कि आखिर मामला क्या है। जैसा कि परिजन बता रहे थे कि आज 4 बजे तक मरीज का हालत ठीक था, लेकिन 1.5 घंटा के अंदर ही कुछ गड़बड़ी हुई। टाटा नगर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आरपीएफ ने इस्पात एक्सप्रेस की चपेट में आने वाले यात्री को बचाया। मामले के संबंध में बताया जा रहा है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 3 इस्पात एक्सप्रेस खुल रही थी। इसी दौरान चलती ट्रेन में एक यात्री ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी यात्री पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए यात्री को बाल बाल बचा लिया। NH-33 स्थित पार्डी के समीप अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर तोड़कर पहाड़ से टकराया, रोड जाम हो गया। NH-33 स्थित पार्डी चौक के समीप अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को तोड़कर पहाड़ से टकरा गई। घटना के बाद ट्रेलर में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों से भरा कैरेट बीच सड़क पर गिर जाने की वजह से रोड जाम हो गया। काली मंदिर पास थे तो बहुत जोर से आवाज आया, तो अभी वही हमने देखी कि क्या हो गया, फिर वही देखने आया तो देख रहे बहुत बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे, पूरा भयानक टाइप का। हम लोग को पता नहीं कोई किसी भी तरह जान मान का क्षति नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये बहुत ही मतलब रनिंग वाला रोड है, तो फिर भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी का भी जान उनका जो हुआ जोखिम मरा, ये मतलब चोट उट नहीं आया। तो क्या है पूरा, क्या दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर? टेलर जैसा ये लग रहा है कि टेलर पूरा है, बहुत जोर से पीपा का आया होगा, पूरा धूप था, नशा में तो पूरा धूप था। फिर डिवाइडर उवाइडर को तोड़ ताड़ के टेलर का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एक तो अपना साइड छोड़ के और दूसरे साइड में आ गया, और इस हालत में अगर कोई रहता तो बचने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ आकाश महतो।
सिद्धगोड़ा स्थित विद्यापति नगर में शौच के दौरान गिरने से दो युवक घायल हो गए। इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित विद्यापति नगर में शौच के दौरान सतीश एवं सुनील नामक युवक घायल हो गया। दोनों घायल को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया गया। कैसे हुआ हादसा? हादसा हम लोग दोनों जन बाथरूम करने जा रहे थे, तो बाथरूम किए, ठीक धोने जा रहे थे, तो पुलिया का नीचे धो रहे थे, तब गिरा, नहीं पता हम लोग दबाएगी उसी में, ये लोग देखा तो ये लोग उठाया, पुलिया भी टूट गया था। कहाँ पर हुआ? विद्यापति नगर लोहरा बस्ती। दोनों वाला हुआ चोट? सरायकेला जिला के कांडरा पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड कंपनी का पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावी स्वावलंबी सहयोग समिति ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट अनिश्चितकालीन जाम कर दिया। इस संबंध में विस्थापित समिति के अध्यक्ष कृष्णा बास्के ने बताया कि विगत 4 महीनों से विस्थापितों की समस्या रोजगार एवं जमीन के मुआवजे को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था, परंतु कंपनी प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेंगी, जिससे बाध्य होकर आज कंपनी गेट को अनिश्चितकालीन जाम किया गया है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के GM लैंड लाइजनिंग अरुण कुमार ने विस्थापितों की मांग को कंपनी प्रबंधन द्वारा अनसुना करने के कारण कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। हम लोग का मांग जो है, ये आधुनिक पावर प्लांट को हम लोग विगत 4 महीना से इसका हम लोग देते आ रहे हैं लेटर मांग पत्र। आज हम लोग का 12 से 13 साल हो गया कंपनी लगा करके। कुछ आदमी का तो ऐसा है कि जमीन जो है, जमीन अभी उसमें जो प्लांट बैठ गया है, और उस आदमी को अभी तक उसका जमीन का पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, झूठा आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। और यह विस्थापित जितना है, ये लोग को अभी तक नौकरी नहीं दिया गया है पूर्ण रूप से, और बाहर से आदमी बहाल किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग का यह आक्रोश है, और इसीलिए आज हम लोग गेट जाम किया है। ये हम लोग 4 मंथ से हम लोग इसको अवगत करा रहे हैं कि भाई आप हमसे बात कीजिए, और हमारा जो मांगे हैं उसको आप पूर्ण कीजिए। लेकिन आज तक कुछ इसमें ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि हम लोग को कल एक लिखित करके दे दिया था कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे बोलकर। इसीलिए आक्रोश है इसमें जमींदाता का, और आज ये गेट जाम जो है वो अनिश्चितकालीन गेट जाम है। अगर मांगे हम लोग का पूरा नहीं होता है तो हम लोग को ये अनिश्चितकालीन जाम होगा। यहाँ एक परिवार से एक नौकरी हम लोग मांग रहे हैं, अधिक नहीं, लेकिन ये भी अभी तक नहीं दे पाया है। और पैसा तो बहुत दूर की बात है, कंपनी यहाँ तक कि हम लोग आज 4 महीना से मांग पत्र कंपनी को दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ऐसी है कि हम लोगों से वार्ता तक नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोगों को बात धोकर यहाँ गेट जाम करना पड़ा। और यहाँ गेट जाम अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग अपनी मांगे नहीं हासिल करते हैं, उससे अच्छा है कि ये बंदे रहे, वही हम लोग चाहते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है, हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.raabiatechnicalinstitute.com।
rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर एसी, एलईडी, माइक्रो ओवन फैन मिक्सर ग्राइंडर वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज न्यू काशीडी नियर जम्बो टावर भालूबासा जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया जमशेदपुर। फोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं, तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट, तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध, तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्री लेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। परसोडी स्थित बावन घोड़ा में पिछले 15 अप्रैल से प्रथम कुमार नामक युवक लापता है। परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। परसोडी स्थित बावन घोड़ा से पिछले 25 अप्रैल से प्रथम कुमार नामक युवक अपने घर से लापता है। इस संबंध में थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। अपने बेटे की सकुशल वापसी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। कब से लापता है बेटा? सर 25 तारीख के मतलब कि रात से लापता है। क्या बोलकर निकला था? वो ड्यूटी के लिए गया हुआ था सर। कहाँ ड्यूटी करता था? ड्यूटी टाटा मोटर्स में और वोल्टास कंपनी का एसी ऑपरेटर था सर। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि सर हमारा बच्चा जो लापता हुआ है, हमने प्रशासन को वहाँ से लेकर के यहाँ एसएसपी साहब तक हमने 15-16 दिन से सर हम रोग आ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हमारा हो रहा है, कोई सुनने वाला माँ बाप नहीं है। क्या लग रहा है, क्यों कैसे लापता हो गया? इसलिए कि सर कुछ उसका जो था गलत आदत था सर, आईपीएल का और किसी तरह का नहीं। क्या करता था वो? आईपीएल में शायद सट्टा लगाता था पैसा से, क्योंकि हमारे बड़े लड़के को मिलता था खबर सूचना और पैसा, मेरा बड़ा लड़का भुगतान भी किया हुआ है, जो कि हम कहीं कोई बात नहीं छिपाए ना थाना में, चाहे एसपी साहब के पास चाहे सिटी एसपी साहब के पास। क्या लग रहा आपको? हमको लग रहा कि मेरा बच्चा सर मिले, पता नहीं वो लापता कहाँ है, क्या है, किस हालत में है, जीवित भी है या मृत हो गया है, हमको किसी भी तरह का हमको सूचना मिलना चाहिए सर। मतलब क्या कुछ लोगों का पैसा भी आईपीएल में हारा है या ऐसा कुछ है मामला? जी जी सर, जी जी, जो बात है हम सच्चाई खुल के बता रहे हैं सर। जी सर, हारा हुआ भी है? जी सर, जी सर, पैसा वो हारा भी है। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है सर पता नहीं अब उसको कोई वही पैसा के दबाव में कोई अगवा कर लिया हो, चाहे उसको
बंधक बना कर रखा हो, चाहे उसको बहला फुसला करके लेकर के गया हो, क्या चाहते हैं आप? पैसा है ठीक है, तुम फलना जगह आओ, फलना जगह मिलो, चाहते क्या? ऐसे सर हम लोग जो मैसेज जो दिया है, हमने रेलवे से भी फुटेज में देखा कि वो ट्रेन में प्लेटफार्म नंबर पर घूरते मिला हमको सर, हम देखे हम, अब मेरा बड़ा लगा। कितना तारीख को सर? तारीख तो मतलब हो रहा है सर दो चार पाँच रोज, एक सप्ताह जैसा सर। चाहते क्या प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते कि सर हमारा बच्चा अगर गलत भी किया तो उसको सजा मिलना चाहिए, जीवित या मृत उसे कहीं से भी ऊपर करके मेरे को सूचना मेरे को मिली प्रशासन से। प्रशासन से मदद मांग रहे हैं? जी सर हम मदद मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह है, कोई नहीं सुनने वाला है सर। थाना में गए थे ना? थाना में भी गए, थाना भी रोज जा रहे हैं, SSP साहब से भी मिले हैं लगा के दो मरतबे, सीनियर SP साहब से भी मिले हुए हैं। चाहते हैं प्रशासन मदद करे? जी सर हमको चाहिए कि प्रशासन मदद करे। हम कहना चाह रहे हैं प्रशासन से कि यदि मेरा बच्चा गुम हुआ है तो मेरा बच्चा का पता करके मेरा बच्चा कम से कम मेरा पास ला दे, खोजे, कुछ जानकारी दे। ना कुछ जानकारी देते ना खोजते हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं ठीक है देखते हैं आपको, कागज ठीक है यहाँ है वहाँ है, बार बार प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोई खबर नहीं दे रहा। आखिर मेरा तो बेटा है, हम अपना बेटा के लिए कुछ तो कहें कि सर हमको कुछ कीजिए, कुछ नहीं करते हैं। मदद मांगने आए, मदद हमको नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? बेटा को मेरा खोज निकाले? मेरा बेटा को खोज निकाले, जैसे भी निकाले, तो मेरा बेटा है, हमको तो चाहिए सही सलामत हमको खोज के निकाले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भालूबासा स्थित बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भालूबासा स्थित बजरंग बली के मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु उपस्थित थे। और ये जो कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी अपने नेताओं को सुधारो, ये भाई की तुलना करते हो, बजरंग दल पे बैन लगाने का काम करते हो, बजरंग दल को आप छू नहीं सकते, साक्षात हनुमान जी बजरंग दल की संरक्षण कर रहे हैं। हम लोगों ने आज भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ किया है और आरती का गायन किया है ताकि देश की खुशहाली आए, देश में समृद्धि आए, देश का और उत्थान हो और देश विकास के राह पर और तेज गति से बढ़े। और हजरत बादशाह अब्दुल रहीम रह उर्फ चूना शाह बाबा का 54वां सालाना उर्स शरीफ का आयोजन चूना शाह बाबा के दरगाह पर किया गया। 9 मई से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 9 मई को सुबह 8 बजे कुरान खुआनी, 10 मई को नात खुआनी व तकरीर बाद नमाज ईशा और 11 मई को 10 बजे सुबह से चादर व संदल गश्त, उसके बाद चादर पोशी, दिन में लंगर आम और रात को महफिल शमा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजन के अंतिम दिन 12 मई को 2 बजे से लंगर आम और रात 9 बजे कव्वाली का कार्यक्रम होगा। आयोजन के संबंध में कमेटी के सदस्य ताज अहमद ने जानकारी दी। झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ सब लोग प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही आते हैं और बाबा के दरगाह की ज्यारत करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, जो भी उनका मुराद होता है वो पूरा होता है और भेदभाव किसी किस्म का नहीं है। हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब मिल करके बाबा को चाहने वाले हैं और आखिरी जो है वो जुमा के दिन खत्म होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी कालीमाटी रोड स्थित कांति गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 10 युवक युवती हिरासत में। सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी में आपसी विवाद में मारपीट, एक महिला को तलवार से मारकर किया गया घायल। MGM अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर स्पात एक्सप्रेस की ट्रेन की चपेट में आने वाले यात्री को RPF की महिला जवान ने चलती ट्रेन के नीचे से निकाला। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।